Hi guys, welcome back to my channel. It's me, Varsha, and today's video is all about affordable lipstick haul. ये lipstick haul सिर्फ एक जगह से नहीं है. मैंने बहुत सारे जगह घूम के बहुत ढूंढ के ये affordable under 50 rupees makeup lipstick आपके लिए मैंने आज लाया है. तो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो आप जानते होंगे कि मैं रिसेंट में कुछ ही दिनों पहले मैंने एक लिपस्टिक के ऊपर हॉल किया था. लाइक मैं बड़ा बाजार विजिट किया था तो उसके ऊपर मैंने एक हॉल किया था लिपस्टिक पे, एंड उसमें मैंने दिखा था अंडर 40 रुपीज लिपस्टिक. सो बेसिकली वो लिपस्टिक था दो तरह की, मतलब एक 30 का एक 40 का. एंड आज मैं जो दिखाऊंगी वो है लिपस्टिक लिप लाइनर, एंड उसके साथ में मैंने जो 50 रुपीज मेकअप चैलेंज पे आई शेडो का यूज किया था, मतलब मैं यूज नहीं किया था, आपको जिस रिकमेंडेशन दे रहा था उसको मैं अब दिखाऊंगी. सो बिफोर एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड टू द वीडियो. एंड बिफोर द वीडियो, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें. मैं यूट्यूबर बहुत ज्यादा मेरे सब्सक्राइबर नहीं है तो आपकी आपसे मेरा यही ख्वाहिश होगी कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको मैं उसके बदले में लेटेस्ट क्राफ्ट वीडियो, ब्यूटी रिलेटेड वीडियो, DIY प्रोडक्ट, कुछ प्रोडक्ट के रिव्यू भी दूंगी. और रिसेंटली मैं एक ज्वेलरी शॉप का ऑर्गेनाइज कर रही हूँ, मतलब मेरा दिमाग में है. सो कुछ ज्वेलरी के बारे में आपको मैं बनाना सिखाऊंगी एंड उसको मैं सेल भी करूंगी रिसेंट आने वाले दिन पे, तो उसके ऊपर भी मैं वीडियो डालूंगी. तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए. नीचे बॉक्स कलर बॉक्स आएगा एक रेड कलर का, उसे प्रेस कर दे एंड उसके पास जो बेल बटन आएगा उसे भी दबा दे ताकि मेरे वीडियो पे आप नोटिफाई रहे मैं जब भी वीडियो डालूँ. एंड इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो. ओके, इट्स अराउंड 2 AM एट नाइट एंड मैं नाइट पे शूट कर रही हूँ, तो एक्सक्यूज मी टू माय फेस एंड ऑल. सो आपको मैं फर्स्ट दिखाऊंगी कुछ लिप लाइनर एंड देन दिखाऊंगी कुछ लिप शेड. सो मैं सबका स्वच्छ नहीं करूँगी, बट जिसका भी आपको स्वच्छ चाहिए तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बार पे दे दूँगी, आप ज़रूर चेक करें. क्योंकि मैं इससे पहले भी एक लिपस्टिक के बारे में अलग से रिव्यू दिया हूँ तो वो आप चेक कर सकते हैं. सो पहले मेरे पास जो है वो है ये मैंने 50 रुपीज़ मेकअप पैक चैलेंज पर यूज़ किया था. ये है ADS का जम्बो लिप लाइनर. सो ये ऐसे करके आता है. ये मैंने खरीदा था जिस जगह से, उस जगह का नाम अगर आप कोलकाता में है तो उस जगह का नाम है रविंद्र सदन मेट्रो स्टेशन से उतरने के बाद जो गेट आएगा फर्स्ट गेट, तो उस गेट पे जाते एक भैया बैठते हैं, तो उससे मैंने ये लिया था. और भी प्रोडक्ट है मैं दिखाऊंगी, बट ये लिया था रविंद्र सदन से, तो इसका कोड है रविंद्र सदन. सो ये एक जम्बो लिप लाइनर है. इसका जो ये वाला कैप है ऊपर, ये इसे खोलते कि यहाँ पे आता है एक शार्पनर. सो इससे मेरा सभी लिप लाइनर कट जाता है, बहुत अच्छा है ये शार्पनर. एंड फिर सेकंड कैप खोलने पे इस आता है लिप लाइनर, एंड ये बहुत क्रीमी है फर्स्ट ऑफ ऑल, सेकंड मैट है. एंड इसका कलर जो कॉम्बिनेशन है ये है मरून, रेड, न्यूट, ब्राउन, बहुत सारा कलर है, पिंक नहीं है. एंड इसका प्राइस है ओनली 30 रुपीज़. सो 30 रुपीज़ में ये बहुत अच्छा आइडिया है. एंड इसका मैं स्वच्छ नहीं दिखाऊंगी आप, सॉरी, ये देख सकते हैं लिप शेड का कलर, ये है रेड. सो या सेकेंड जो है वो है ये MN का ट्रू लिप लाइनर. इसका सेट आता है 200 रुपीज़ का. इसका मैंने स्वचेस एंड रिव्यू किया है तो इसके बारे में मैं बताना नहीं चाहती, सिर्फ बताना चाहती हूँ इसमें से सब मेरे पास नहीं है, मैंने गिफ्ट कर दिया है मेरे बहन को. तो ये आता है 12
शेड का एक बॉक्स एंड इसका प्राइस है 200 रुपीज़। सो ईच ऑफ द लिप शेड का प्राइस आता है 16 रुपीज़ से 20 रुपीज़ तक। एंड ये बहुत क्रीमी है, क्रीमी मैट है, ड्राई नहीं है। एंड ये एनरिच विथ एलोवेरा है, सो आपके लिप्स का जो मॉइस्चर चाहिए ये सिर्फ उसे ही बनाए रखता है। एंड ये लिप लाइनर एज अ लिपस्टिक के लिए बहुत अच्छा है। सो ये मेरा सेकेंड प्रोडक्ट। थर्ड प्रोडक्ट है ये दोनों है लिप लाइनर प्लस आई लाइनर। वैसे तो हम लोग बंगाली लोग या फिर इंडिया में कुछ लोग को छोड़ के वैसे कोई ब्लू लिप लाइनर या फिर ग्रीन लिप लाइनर यूज़ नहीं करते, तो ये हमारे लिए है आई लाइनर। सो आई लाइनर नहीं, सॉरी, आई शेडो या फिर आई लाइनर जो भी आप कह सकते हैं। तो इसका ये कैप आता है, हम कैप को ओपन करने पे यहाँ पे आता है, इसको ओपन करने पे आपको आएगा ये लिप शेप ऐसे करके क्रीम। ये बहुत क्रीमी है एंड ये बहुत अच्छा है। देखिए ये एज अ काजुअल, एज अ आई लाइनर, एज अ आई शेडो बहुत अच्छा है। सेम एज ब्लू है, मैं दोनों को नहीं दिखा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सो ये हो गया, ये रविंद्र सदन का, ये दोनों भी रविंद्र सदन का। एंड ये जो MN का था, ये सारा ये था फ्लिपकार्ट का। सो ये हो गया। फिर आता है लिप शेड के बारे में। सो आपको मैंने दिखा दिया है कि ये है नेकलाइन का दो लिपस्टिक, नेकलाइन का थ्री लिपस्टिक। ये आता है 30 रुपीज़ का, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बार में डाल दूंगी। ये है मार्स का लिपस्टिक, ये आता है 40 रुपीज़ का। इसमें मेरा शेड है पे, यहाँ पे है पीच एंड यहाँ पे है ऑरेंज, यहाँ पे है ऑरेंज, एक है डार्क, ये है डार्क ब्लू लाइक वायलेट, ये है हल्का वायलेट। सो ये आता है, ये भी मैंने रविंद्र सदन से लिया था। आज मैं दिखाऊंगी मार्स का दो अलग लिप शेड। ये मैंने मेरा जो एस्प्लैनेड है, एस्प्लैनेड के जो हॉक मार्केट है उस वहाँ से मैंने लिया। ये मार्स का दो लिपस्टिक है, बुलेट लिपस्टिक। सो पहला है शेड नंबर 3 एंड ये है पिंक। ये बहुत अच्छा पिंक है, ये मैट है, ये फर्स्ट ऑफ ऑल क्रीमी इफेक्ट देगा आपको एंड कुछ देर रहने के बाद ये मैट हो जाएगा। ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, आज ही मैंने लिया है तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर किया जाए। एंड ओ सॉरी, ये है वायलेट, एक्चुअली ये है वायलेट एंड ये है पिंक। मतलब वो वायलेट करके है, वो डीप वायलेट डीप पिंक करके है एंड ये है थोड़ा सा लाइट, दोनों का कलर सेम आ रहा है एक्चुअली। सो ये है वायलेट अंडरटोन में, ये लाइट वायलेट है एंड ये लाइट पिंक है। मुझे लाइट कलर डार्क कलर दोनों ही अच्छा लगता है, बट जब मैंने लगा था तो दोनों का कलर डिफरेंट था। एज यू कैन सी, दोनों का कलर ही डिफरेंट है, इनकी जेंडर टोन पे ही आता है ये, तो इसका कलर डिफरेंट है, ठीक है, कोई बात नहीं। सो ये हो गया मेरा आज का रिव्यू एंड बहुत जल्दी मैं कुछ ज्वेलरी का रिव्यू दूंगी आपको, रिव्यू नहीं, ज्वेलरी को बनाना सिखाऊंगी, बहुत सारी चीज करूंगी। तो मेरे चैनल पर बने रहिए, मुझे सपोर्ट करते रहिए एंड इसी तरह मेरे वीडियो को देखते रहिए, मुझे अपना प्यार देते रहिए। और अगर मुझे आप पसंद मेरे चैनल को आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको आप सब्सक्राइब कीजिए। मेरा एक ही उम्मीद है कि मुझे बहुत ज़्यादा 1 मिलियन सब्सक्राइबर नहीं चाहिए, बट मुझे कुछ जेन्युइन लोग चाहिए जो मुझे सपोर्ट करते हैं। सो प्लीज़
keep supporting me, and thank you so much for my 150 subscribers जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा support किया है अभी तक. मेरे चैनल पे views उतना आता नहीं है, but ठीक है कोई बात नहीं. कभी कभी हो जाता है कि ऐसे वीडियो मैं डालूँ जो पसंद नहीं है. ठीक है, मैं उम्मीद करूँगी कि मैं एंड में ट्राई करूँगी कि मैं मेरे वीडियो स्किल को थोड़ा सा इम्प्रूव करूँ. मुझे इतना ज़्यादा हिंदी नहीं बोलनी आती है, तो उतना ज़्यादा इंग्लिश भी नहीं आती है, तो ये मेरा एक नेगेटिव पॉइंट है क्योंकि मेरा सब्सक्राइबर बहुत कम है. एंड ठीक है, मैं इसके बारे में सोचूंगी, मैं पूरी तरीके से ट्राई करूंगी कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी वीडियो दे पाऊँ. सो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी न्यू ईयर. एंड न्यू ईयर के पहले मैं एक मेकअप ट्यूटोरियल लाने वाली हूँ. सो कीप ऑन वॉचिंग. थैंक यू सो मच, लव यू ऑल.